हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद भी कांग्रेस में सीएम की कुर्सी को लेकर जबरदस्त खेमेबाजी चल रही है, तो गुजरात में तस्वीर बिल्कुल इसके उलट है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बता चुके हैं कि भूपेंद्र पटेल ही एक बार फिर से गुजरात के चीफ मिनिस्टर होंगे, इसलिए गुजरात में हिमाचल जैसा कोई झंझट नहीं है। आज गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में भूपेंद्र पटेल को नेता चुनने की औपचारिकता पूरी की जाएगी और इस मीटिंग में राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और बीएस येदुरप्पा ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होंगे। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। इससे पहले कल भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा सौंपा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अमित, गुजरात में किस तरह से चुनाव हुए और अब मुख्यमंत्री की जो प्रक्रिया चुनने की चल रही है उससे पहले की तस्वीरें, राज्यपाल आचार्य देवव्रत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और भूपेंद्र पटेल की 12 तारीख को ताजपोशी होगी। उससे पहले बीते कल वो गवर्नर हाउस पहुंचे जहां उन्होंने अपना कैबिनेट के साथ इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। घाटलोडिया सीट से जबरदस्त बंपर जीत हासिल की है भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार, 2017 में इससे पहले वो जीते थे। उसके बाद पहले से ये तय था कि भूपेंद्र पटेल ही सीएम फेस है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया था। आप समझिए कि चुनाव से ठीक करीब 9 महीने पहले, मतलब साल भी पूरा नहीं हुआ था जब उन्हें ये सत्ता दी गई थी, उन्हें पूरी कैबिनेट फ्रेश थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कामयाबी के साथ अपने कार्यकाल को पूरा किया और ये प्रचंड जीत हासिल की, जिसके बाद अब उनकी ताजपोशी होने जा रही है 12 दिसंबर को। गुजरात में बीजेपी अपनी ऐतिहासिक जीत के साथ ही भूपेंद्र पटेल की शपथ को भी ऐतिहासिक बनाना चाहती है और शपथ ग्रहण समारोह 12 दिसंबर को होगा और इसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इनके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम के भी शामिल होने की उम्मीद की जा रही है और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा 12 दिसंबर को, जब भूपेंद्र पटेल दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।